सब लोग आ गए हो ना? स्टार्ट कर दें, यस सब लोग सेटल हो गए? हाँ ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, कोई भी वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स वगैरह नहीं। हमने इस सिस्टम में या तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज या इंडक्टर के ऊपर करंट, या दोनों, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे करंट दोनों, ऐसा करके हमने इस सिस्टम को इनिशियली छोड़ दिया है। अब ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा तो वो हम लोग आज एनालाइज करेंगे, और हम लोगों का फिर ये एसी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस पे एक बार फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। ये हमारा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर कनेक्टेड है हमारे इंडक्टर से। ये है हमारा कैपेसिटर, और ये कनेक्टेड है हमारा इंडक्टर से। और यहाँ पे मैं तुमको सारी सिचुएशन बता देता हूँ। टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था, से क्यू नॉट कैपेसिटर के ऊपर, और टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने ऐसा माना है कि इंडक्टर में कोई भी करंट नहीं थी, कोई करंट नहीं थी। और थोड़ी देर बाद टी इज इक्वल टू टी पे कैपेसिटर का चार्ज घट के हो गया स्मॉल क्यू, और सर्किट में करंट हो गई आई। तो ये है हमारा उस समय टी इज इक्वल टू टी का सर्किट, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये है हमारी सर्किट की करंट उस समय आई। अब हम इसको एनालाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा ये बताओ कि यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज अगर क्यू है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? क्यू बाई सी क्यू क्यू बाई बाई सी। सी बिल्कुल सही बात है, क्यू बाई सी होगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का डिफरेंस होगा। अच्छा, इंडक्टर में करंट आई है और वो कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट हो भी नहीं सकती, क्योंकि तो कैपेसिटर में जो चार्ज है ना, वो पहले जब घटने की कोशिश करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा। इंडक्टर का काम ही यही है। इंडक्टर इज अ डिवाइस विच अपोजेस चेंज इन करंट। तो करंट जब शुरुआत में जीरो से बढ़ने की कोशिश करेगी, तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा, बढ़ने नहीं देगा, करंट इसीलिए जीरो रखेगा। बट धीरे धीरे जब करंट बढ़ेगी, तो अब क्या होगा कि करंट जो है रेट ऑफ चेंज डी आई बाई डी टी भी आएगा, और अगर डी आई बाई डी टी आएगा तो तुमको मालूम है कि इंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक वोल्टेज आता है जब जब करंट बदलती है। बोलो कितना आता है वो वोल्टेज? एल डी आई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी हाँ, एल डी आई बाई डी टी आता है। तो अब अगर एल डी आई बाई डी टी भी आएगा और यहाँ पे क्यू बाई सी भी आएगा, तो दोनों में आपस में एक रिलेशन होगा, और वो क्या रिलेशन होगा? तो बोलो बेटा यहाँ पे कोई सोर्स तो है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन लिखूं, यहाँ पे किसी मोमेंट पे कैपेसिटर में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जाने में प्लस फाइव से 5 वोल्ट का गेन हो रहा है, तो तुमको मालूम है क्लोज लूप है। मैंने तुमको बोला एसी के सर्किट में भी डीसी के सर्किट की तरह तुम एक चीज जरूर लगा सकते हो, वो क्या? पावर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी आई, जो लगाया भी था उसी से वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई आया था। और दूसरा मैंने तुमको बोला था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ इक्वेशन, दोनों किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दोनों हर सर्किट में लगते हैं, यूनिवर्सल हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक से आते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो यहाँ पे देखो, अगर ये प्लस फाइव का गेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइव का ड्रॉप भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं का मतलब है क्या? यहाँ पे रजिस्टर तो है नहीं, आइडियल एक ऐसी सर्किट है। ये अलग बात है अगर तुम मुझसे बोलोगे ऐसा कोई सर्किट बना सकते, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वायर होगा तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आ ही जाएगा, भले तुम अलग से रेजिस्टर ना भी लगाओ, बट कनेक्टिंग वायर है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। बट अभी हम मान रहे हैं कि प्योर एलसी सर्किट है, विदाउट एनी आइडियल कंडीशन, नो रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के नाम पे यहाँ पे गेन हो रहा है क्यू बाई सी का, और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है एल डी आई बाई डी टी का, और किसी भी सर्किट में नेट सम ऑफ वोल्टेज गेन एंड ड्रॉप जीरो होता है। वैसे भी किरचॉफ इक्वेशन प्लस का क्यू बाई सी। इंडक्टर में हमेशा याद रखना बेटा, करंट के अलोंग जब चलते हैं तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं, हमेशा याद रखना बेटा। फिर से बोल रहा हूँ, इंडक्टर में करंट के अलोंग चलो तो कभी भी प्लस एल डी आई बाई डी टी मत लिखना। क्या लिखोगे? माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसको कर दो जीरो। तो अब मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ रहा है। अब ये आई जो है वो क्या है? तो करंट किसी भी समय, जैसे कैपेसिटर में चार्ज क्यू था, टी इज इक्वल टू टी पे क्यू चार्ज था, और डी टी का एक छोटा सा मैं टाइम लू जिसमें कैपेसिटर पे चार्ज घट के क्यू माइनस डी क्यू रह गया। क्यू माइनस डी क्यू क्यों रहेगा? क्योंकि यहां से कोई चार्ज चला आया, तो उस मोमेंट पे जो करंट होगी, वैसे अगर तुमसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो मैं बोलूंगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बट क्यू हमने माना क्या है? तो क्यू हमने माना है कैपेसिटर पे चार्ज। जैसा हमने फिगर बनाया है कि पहले कैपेसिटर में चार्ज था पूरा, वो कम हो रहा है, क्योंकि भाई जब करंट चलेगी तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कम होगा। तो अब वो क्यू जो है वो कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट चार्ज कम हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी निगेटिव आएगा। बट जैसे हमने सेंस माना है करंट का, तो पॉजिटिव होना चाहिए,
इसलिए यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्यू बाई सी इज इक्वल टू बेटा एल डी बाई डी टी ऑफ आई, आई की जगह मैं लिख लूंगा बेटा माइनस का डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी मतलब चार्ज का एक बार डिफरेंशिएशन और एक और डी बाई डी टी है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव बन गया। तो बन गया बेटा डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन एल सी। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत? सर ये माइनस क्यों लगाया? माइनस बेटा इसलिए लगाया कि जैसे मान लो हमने जो करंट मानी है वो हमने करंट क्या मानी है, जैसे मान लो यहाँ पे करंट आ रही है 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, जो हमने डायरेक्शन मानी वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो डी क्यू बाई डी टी अगर मैं लिखता, डी टी का मतलब है टाइम में चेंज, टाइम बढ़ रहा है, डी टी पॉजिटिव है, डी क्यू का मतलब कैपेसिटर के चार्ज में चेंज, बट कैपेसिटर का चार्ज तो घट रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी अपने आप निगेटिव आता। तो अगर मैं डी क्यू बाई डी टी आई को डी क्यू बाई डी टी लिखने देता तो वो निगेटिव आता माइनस थ्री, और अगर वो माइनस थ्री आता तो हमने जो ये इक्वेशन लिखी है क्यू बाई सी माइनस का एल डी बाई डी टी, तो फिर वो उल्टा वैल्यू देने लगता, क्यू बाई सी यहां से आता क्यू बाई सी ये भी प्लस, और जो एल डी बाई डी टी हमने क्या किया था एल डी बाई डी टी को देखो माइनस किया था। अगर ये एल डी बाई डी टी में ये जो तुम्हारा आई वाला टर्म है निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब खुद ही बताओ ये भी प्लस और ये भी प्लस, दो चीजों का प्लस का सम जीरो हो सकता है क्या? गलत होता वो। और वैसे भी देखो टाइम बढ़ रहा है, चार्ज घट रहा है, तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए आई को पॉजिटिव जो हमने डायरेक्शन मानी हो सही है, इसको पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। मैं नेगेटिव से तो इसका मतलब हो जाएगा हमने अपना एरो गलत माना है, नहीं एरो हमने इतना सही माना है, इसलिए इसको पॉजिटिव, इसको मॉड मैग्नीट्यूड बनाने के लिए हमें मालूम है नेगेटिव आएगा, इसे माइनस माइनस प्लस करने के लिए। अब बोलो बेटा समझ में आ गया यहां तक? यस। अब देखो बेटा ये क्यू तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, एलओसी वेरिएबल नहीं है। एलओसी क्यों वेरिएबल होंगे भाई? ऐसा तो ना कि चार्ज और करंट दौड़ेगा तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस या इंडक्टर का इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। एलओसी कांस्टेंट है, क्यों वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, तो इसको ये इससे कंपेयर करो बेटा डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल सी, जो भी होगा ये माइनस का क्यू बाई एल सी है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस का वन अपॉन एल सी इंटू क्यू, वन अपॉन एल सी जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एलओसी तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो किसी भी चीज को पॉजिटिव को तुम किसी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर करो एक्स की जगह क्यू समझो, एक्स की जगह क्यू समझो, ओमेगा स्क्वायर की जगह वन अपॉन एल सी समझो, नीचे टाइम को टाइम रहने दो। कुछ याद आ रहा है डी टू एक्स बाई डी टी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या होता था? SHM की इक्वेशन होती थी डी टू एक्स बाई डी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, SHM की इक्वेशन होती थी। विनायक कुछ कुछ इमेज तुम्हारी अपलोड हो रही है क्या, कुछ पूछ रहे थे क्या? अच्छा पहले पहले की पड़ी हुई है, ओके। तो डी टू एक्स बाई डी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बेटा सबको याद आ गया SHM की इक्वेशन है। yes. और SHM की इक्वेशन हाँ, तो इसमें ये बताओ ये जो डी टू एक्स बाई डी टी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जब लिखते थे तो ये बताता था इसको सॉल्व करने पे, जब इसको सॉल्व करते तो बेटा क्या आता था? तो इसको सॉल्व करने पे बेटा आता था ये देखो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये बताता था कि हमारा जो एक्स है टाइम के साथ वो SHM कर रहा है कुछ यूं, उसमें लगातार जीरो से पॉजिटिव ऐसे जीरो से पॉजिटिव ए तक प्लस ए से जीरो, जीरो से फिर माइनस ए से जीरो, लगातार वेरिएशन हो रहा है। यानी कि जो क्वांटिटी एक्स होती थी वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरिएबल होती थी। अब मेरा जो इक्वेशन आया वो ये आया डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एल सी इंटू क्यू। तो अब मुझे ये बताओ बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बोलो एक्स की जगह क्या आना चाहिए? क्यू क्यू ए की जगह क्या आना चाहिए? ए क्या होता था एम्पलीट्यूड, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे किसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए? क्यू नॉट, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे वहां पे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आई थी बेटा, तो यहाँ पे किसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए? चार्ज, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू। शुरुआत में पूरा मैक्सिमम चार्ज था, उससे ज्यादा थोड़ी ना आ जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन।
कैपेसिटर पे तुमने शुरुआत में 10 कूलम का चार्ज माना था, अब ऐसा तो है ना कि थोड़ी देर बाद बढ़ के अपने आप 15 कूलम हो जाएगा, कहीं से कहां से आ जाएगा भाई, सर्किट तो क्लोज है और आ नहीं रहा। तो इनिशियल में जो चार्ज था क्यू नॉट, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या बताता है, इनिशियल फेज। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम जीरो रखूं तो साइन जीरो, तो यहाँ पे देखो आएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो ये तो चार्ज जीरो आ जाएगा, जबकि टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो था कि मैक्सिमम था, मैक्सिमम। तो बताओ हमें कितनी फेज से स्टार्ट करना चाहिए, जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, 90 से स्टार्ट करना चाहिए, 180 से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम आ जाए 90। देखो 90 से क्या होगा, टी अगर जीरो भी ले लोगे तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन 90 साइन 91, चार्ज देखो क्यू नॉट से स्टार्ट हो जाएगा। ये बन गई हमारी चार्ज की इक्वेशन, एलसी सर्किट में चार्ज टाइम के साथ एसएचएम करता है, और इनिशियल हम लोगों ने मैक्सिमम माना है तो ऐसे एसएचएम करता है। ये है बेटा चार्ज टाइम के साथ, ये है एक्स टाइम के साथ, ये है चार्ज टाइम के साथ एसएचएम कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम क्यू नॉट से स्टार्ट होगा, क्यू नॉट से थोड़ी देर बाद जीरो जाएगा, फिर उल्टी प्लेट उल्टी चार्ज हो जाएंगी, माइनस क्यू नॉट हो जाएगा फिर जीरो, फिर प्लस क्यू नॉट हो जाएगा फिर जीरो, फिर माइनस क्यू नॉट हो जाएगा फिर जीरो, फिर प्लस क्यू नॉट हो जाएगा फिर जीरो, और लगातार वेरी करेगा। तो अब जब चार्ज लगातार वेरी करेगा तो इसके वेरिएशन की एक साइकिल भी होगी, ये देखो एक साइकिल है और बार बार साइकिल रिपीट हो रही है। अब रिपीट करेंगे साइकिल तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जैसे वर्ड भी आएंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता था एसएचएम में, क्या पढ़ा था बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर होता तो टाइम पीरियड कितना होता था, 2π/ओमेगा। हाँ, और बेटा यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, कंपेयर करो ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, 1/√LC, यानी कि ओमेगा 1/√LC, यानी कि बेटा यही है ओमेगा, तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा से। देखो ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है 1/LC, जब तुम टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा करोगे तो ये आएगा हमारा टाइम पीरियड, ये आएगा टाइम पीरियड। और कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा जो कि ओमेगा बाई 2π होती है, तो ये बन जाएगी 1/2π√LC, LC ऑसिलेशन। LC सर्किट में चार्ज टाइम के साथ ऑसिलेट करता रहता है, बढ़ता है घटता है, घटता है बढ़ता है बार बार, और उस वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC हर्ज, क्योंकि ये LC 1/2π√LC सच में बहुत ज्यादा आता है, ये 10^10 हर्ज या इस टाइप का आता है। अब इसको साइकिल पर सेकंड नहीं बोलेंगे, इसको हर्ज ही बोलेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ज बोलते हैं। और टाइम पीरियड आता है टी इक्वल टू पाई नोड एलसी, और ये देखो चार्ज कैपेसिटर पे यही बता रहा था मैं कि पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर निगेटिव, है ना, इस तरीके से। देखो यहाँ पे जो कैपेसिटर है पहले पॉजिटिवली ऐसे, ये कैपेसिटर पहले यहाँ पे ऐसे होगा इनिशियली प्लस क्यू माइनस क्यू, थोड़ी देर बाद क्या होगा डिस्चार्ज हो जाएगा जीरो जीरो, थोड़ी देर बाद क्या होगा यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा फिर प्लस क्यू आ जाएगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा ऐसे ऐसे, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होने के बाद फिर प्लस आएगा, फिर प्लस होने के बाद फिर वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो बार बार इस तरीके से कैपेसिटर का चार्ज घटता बढ़ता रहेगा, उस वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC, और इसलिए इसे बोलते हैं LC ऑसिलेशन। LC सर्किट इज ए ऑसिलेटर और इसको बोलते हैं LC ऑसिलेशंस। चार्ज यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। बेटा मैं तुमको एक चीज बताऊं, जब तुमने बिल्कुल क्लास 10th के बाद, आज से करीब 1.5 साल पहले जब तुम क्लास करीब 10th के बाद 11th में आए होगे, तो तुमको एक चीज बताई गई होगी केमिस्ट्री में, और बोला गया होगा मैक्सवेल लॉ कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट्स इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये तुमको बोर मॉडल में पढ़ा दिया गया होगा, और तब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या बता रहे हैं भाई, ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट क्या है, स्टेबल ऑर्बिट अनस्टेबल ऑर्बिट के पढ़ाने के चक्कर में तुमको दिमाग में जबरदस्ती घुसेर दी गई थी। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, ये देखो बेटा चार्ज पार्टिकल, ये बार बार तुम्हारा इस एलसी सर्किट में, ये बार बार इस एलसी सर्किट में क्या कर रहा है, पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो देखो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, तो एक्सीलेट डी एक्सीलेट हो रहा है, रुक रहा है, रिटार्ड हो रहा है, अब किधर जा रहा है, फिर अपोजिट आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी
को अभी तो स्टोर कर रहा है, बट ये चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है। अगर हम यहाँ से सर्किट की एनर्जी निकाल दें किसी रजिस्टर के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉनिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो तुम्हें मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक वेव कोई एक वेव नहीं होती, कई सारी वेव होती है। तो अब इस सिस्टम की इतनी एनर्जी तो नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन के चलने से लाइट पैदा हो जाए, बट तुमको एक बात बता दें, लाइट भी इलेक्ट्रॉन के एक्सलेशन डीएक्सलेशन से ही आती है। और जो रेडियो वेव्स होती है, जो हमारा मोबाइल का कम्युनिकेशन जिनके ऊपर बेस्ड है, वो एलसी सर्किट पे बेस्ड होते हैं। हर मोबाइल में एक एलसी सर्किट होता है, हर उस जगह में जहां पे रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, हर उस जगह पे जहां पे हम रेडियो वेव्स के थ्रू टेलीविजन सिग्नल कैच कर रहे हैं या फिर रेडियो के सिग्नल कैच कर रहे हैं, उन सब में एलसी सर्किट होता है। और एलसी सर्किट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करने का, जो अगला चैप्टर है ना ईएम वेव्स, उसी का लिंक है ये। एलसी सर्किट और ईएम वेव्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये जो ईएम वेव्स होती हैं, उनको प्रोड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है, कैपेसिटर लो, एक इंडक्टर लो, कनेक्ट कर दो और एक में एनर्जी दे दो, चाहे इंडक्टर चाहे कैपेसिटर में, चार्ज अपने आप ऑसिलेट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और यही किया था आज से करीब 100-150 साल पहले मार्कोनी ने, जब उसने रेडियो वेव्स को ऐसे चला के दिखाया था, तब से जाके तो हमारे फोन ऑन बन पाए, जब मार्कोनी ने ये सारी चीजें रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाई। तो ये पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये वाला पेज लिख लो, फिर अगला वाला पेज। समझ में आ गया अंजनी? लिख लिया? यस सर, लिख लिया। गौरव? यस सर, लिख लिया? यस सर। अच्छा, साथ ही में लिख रहे थे। सबने सबने लिख लिया क्या? तो फिर आगे बढ़ जाएं। नो सर, अभी नहीं। लिख लो। एक मिनट। लिख लो। अभय? क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खेल लो, कभी हॉरिजॉन्टल हो जाते हो, कभी वर्टिकल हो जाते हो? थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है और ऊपर से कॉल आ जाती कभी कभी। अच्छा, सर इसे एसएचएम की इक्वेशन से क्यों कंपेयर किया था? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो मैं सॉल्व करके बैठूं, सॉल्व करने बैठूं, तो अब तो ये मैथ्स का काम है। तो फिजिक्स में मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा। मैं मानूंगा मुझे आती नहीं, अलग बात है मुझे आती है सॉल्व करना। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी वाला टर्म आएगा, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू वाला आ जाएगा, बट वो अपने आप में 2-3 पेज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सीधे कंपेयर करके बोल दूंगा लॉजिक कि भाई जैसे इसका ये सोल्यूशन आया था, तो एनालॉगी से कंपेरिजन से इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करना, ये एक इक्वेशन है, क्यू अननोन है टाइम के साथ, क्यू का टाइम के साथ फंक्शन चाहिए, तो या तो मैं इसको सॉल्व करूं और मैथमेटिकली फिर निकालूं क्यू का टाइम के साथ फंक्शन, और तो कोई तरीका है नहीं मैथमेटिकली करने के सिवा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो लोगों ने पढ़ भी ली होंगी, तो सेकंड ऑर्डर तो नहीं पढ़ी होगी ना, फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ी होगी। सर अभी नहीं पढ़ा, पढ़ा। अच्छा, लेकिन तब भी वही तो मैं बता रहा हूँ कि बेकार है, इसलिए तो उसमें नहीं पढ़े मैथ्स में। अगला पेज करते हैं। ये सबने लिख लिया बेटा? सर ये माइनस क्यू बाय एलसीआई है क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म का है क्या? हाँ बेटा, वही तो कह रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एलसी, क्योंकि 1 अपॉन एलसी हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स का काम क्यों कर रहा है, देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों में एक्स की जगह क्यू तो आ रहा है। यस,
चार्ज पाई बाय टू से क्यों स्टार्ट करी थी? देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखता तो ये बनती q इज इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहाँ पे ऐसे लिखता मैं, ठीक है। फाई एक इनिशियल फेज एक कांस्टेंट होता है, अब वो कांस्टेंट मतलब ऐसा कोई वेरिएबल तो है नहीं, वो मैं निकाल सकता हूँ जो मुझे पता है उसके बेसिस पे। क्या पता है मुझे? मुझे ये पता है कि t इज इक्वल टू जीरो पे जो हमने माना था, देखो बेटा मैंने क्या माना था, देखो सामने लिखा है t इज इक्वल टू जीरो पे मेरे पास सर्किट में चार्ज q नॉट है। तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स बिना किसी दिमाग के लगाए, कोई लॉजिक नहीं, t इज इक्वल टू जीरो पे स्मॉल q की जगह q नॉट होना चाहिए, और मैं रख देता हूँ, देखो रख रहा हूँ, मैंने रखा t इज इक्वल टू जीरो पे स्मॉल q की जगह q नॉट, तो ये बनी इक्वेशन q नॉट इज इक्वल टू q नॉट साइन t जीरो रख दिया, साइन फाइव बचा, q नॉट से q नॉट कर गया तो बेटा देखो साइन फाइव की वैल्यू वन आ गई। अब खुद ही बताओ बेटा साइन फाइव की वैल्यू वन तो फाइव कितना? सर अगर I का ग्राफ बनाते तब तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। हाँ बिल्कुल बना रहे। इतना लिख लिया सबने? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुक जाते हैं, सर इसे चार्ज के ऑस्किलेशन को एलसी ऑस्किलेशन कहते हैं। अब तुम्हें बताऊंगा इस सर्किट में बहुत चीजें ऑस्किलेट कर रही हैं जिनमें प्राइमरी चार्ज है। अच्छा याद करो क्लास 11 में जब तुमने एसएचएम पढ़ा था तो तुम ये बताओ ये जो टाइम के साथ साइनोसॉइडल वेरिएशन सिर्फ एक्स का आता था कि और भी चीजों का आता था? एसएचएम जो तुमने पढ़ा था स्प्रिंग ब्लॉक वाला, याद है उसमें एसएचएम में सिर्फ एक्स का ही नहीं टाइम के साथ वेलोसिटी भी टाइम के साथ साइनोसॉइडल होती थी। यस सर। एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ साइनोसॉइडल होता था। काइनेटिक एनर्जी भी साइनोसॉइडल होती थी। पोटेंशियल एनर्जी भी साइनोसॉइडल होती थी। खाली एक चीज साइनोसॉइडल नहीं होती थी, बताओ वो कौन सी? जो चीज कॉन्स्टेंट रहती थी जब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता था, एक चीज नहीं बदलती थी, पोजिशन वेलोसिटी मोमेंटम फोर्स एक्सीलरेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब टाइम के साथ साइनोसॉइडल होते थे, बट एक चीज नहीं होती थी, बताओ कौन सी? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। कौन सी चीज कांस्टेंट रहती थी यार बताओ? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी। ग्राफ भी बनाया होगा, काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रही, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती थी कांस्टेंट होती थी। याद है ऐसे ग्राफ बनाते थे, एक ऐसे होता था और एक एक याद है ऐसे ऐसे होता था, ऐसे भूल गया तुम लोग, एक ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बदलती थी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ डैश डैश करके ऐसे बनाते थे और बोलते थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो देखो हर समय कांस्टेंट है एसएचएम में, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी सबका सम कांस्टेंट रहता था। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा? हाँ सर याद आ रहा है। हाँ यही करने जा रहे हैं अभी भी, यहाँ पे भी यही करने जा रहे हैं। बेटा ये लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? यस सर। तो देखो बेटा ये चार्ज आया है मेरा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो क्या बेटा उसको कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो अब मैं देखो करंट लिखने जा रहा हूं, करंट आएगी माइनस का डी क्यू बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्यू नॉट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आ रही है मेरी करंट माइनस ओमेगा क्यू नॉट, आने दो ओमेगा क्यू नॉट और साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी मैं एक काम करता हूँ, साइन ओमेगा टी रहने देता हूँ बट ये माइनस का कुछ करता हूँ। तो मुझे बताओ बेटा साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में? थर्ड में। अच्छा बेटा ये 180 प्लस लिख सकता हूँ मैं? यस यस। बस यही करंट की इक्वेशन है और ये करंट की इक्वेशन बता रही है बेटा क्या, अब तो तुम इतना पढ़ चुके हो मुझे ये बताओ इसका मतलब है कि करंट जो है कितने के फेज पे चल रहा है, कितने के फेज पे चल रहा है?
करंट भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, करंट भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, करंट भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, बट ये चार्ज के साथ, चार्ज आया था साइन 90 प्लस थीटा, ये आया साइन 180 प्लस थीटा, दोनों में फेज डिफरेंस है, ये भी SHM, हाँ ये भी SHM, ये था कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, तो मैं सामने दोनों बना दे रहा हूँ, है ना, और करंट भी साइनोसॉइडल वेरिएशन है, करंट भी साइनोसॉइडल है, बट ये तुम्हारा देखो 180 डिग्री साइन वाले ग्राफ से 180 डिग्री, साइन का ग्राफ बताने की जरूरत नहीं, ये होता है, इसको देखो 90 का फेज डिफरेंस से स्टार्ट किया था, यहाँ से किया था, बोलो इसको बेटा कितने से स्टार्ट करें, 180 साइन पाई से स्टार्ट करें, है ना, तो साइन पाई वैसे भी जीरो होता है, तो ये तुम्हारा बनेगा ऐसा, नीचे से जाएगा, नीचे से बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, करंट भी साइनोसॉइडल और चार्ज भी साइनोसॉइडल। अब ये देखो इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही है 1/2 pi under root LC, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी बेटा वही है 1/2 pi under root LC, क्योंकि दोनों में ओमेगा को डिफरेंस तो ही ना है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही है, ये भी ऑसिलेटिंग, ये भी ऑसिलेटिंग, हाँ इसका एम्पलीट्यूड कोई बोले तो क्यों नॉट है, इसका एम्पलीट्यूड बोले कोई करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो वो ओमेगा क्यों नॉट है, अभी ओमेगा क्यों नॉट क्या बेटा, तो क्यों नॉट ओमेगा क्या था 1/√LC, ये है बेटा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एलसी ऑसिलेशन में करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है क्यों नॉट बाय √LC, ये तो वही बात होगी यार जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करते थे 11th में, तो क्यू यानी कि एक्स, एक्स में भी SHM होता था और एक्स का जो डेरिवेटिव होता था dx/dt, बोले बेटा क्लास 11 में dx/dt क्या बताता था, वेलोसिटी, वेलोसिटी, करंट भी तो चार्ज की वेलोसिटी जैसी तो है, जैसे dq/dt क्या है आई, तो dx/dt वी, तो चार्ज का चलना जैसे वहां पे मास चलता था तो वैसे चार्ज चल रहा है, तो चार्ज की वेलोसिटी देखो वो भी साइनोसॉइडल है। अच्छा कुछ याद है SHM में जब होता था तो पार्टिकल की एक्स भी टाइम के साथ साइनोसॉइडल होती थी, पार्टिकल की वेलोसिटी भी साइनोसॉइडल होती थी, बट एक्स और वी दोनों सेम फेज में नहीं होते थे, एक्स और वी में कितने का फेज डिफरेंस होता था, नाइनटी डिग्री का होता, और यहां देखो सामने ये मेरी चार्ज इक्वेशन लिखी है, ये है q is equal to q naught sin omega t plus 90, और ये बेटा मेरी करंट लिखी है q i is equal to, इसको मैं i naught ही लिख देता हूं, यही i naught है, और ये मैं लिख देता हूं sin omega t plus 180, खुद ही बताओ कौन आगे आगे भाग रहा है और कितने से आगे आगे भाग रहा है, ये 90 है ये 180 है, तो आपस में कितना फेज डिफरेंस हुआ, 90 कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, करंट लीड कर रही है। अच्छा अब ये बना लो ग्राफ, इसकी मीनिंग बताओ, इसका मतलब है कि जब चार्ज मैक्सिमम है तो सर्किट में करंट जीरो है, देखो बेटा मिलाओ, यस सर, है ना, ये है ये है ये है, सर्किट बनाता चलता हूँ साथ में, थोड़ी सी जगह बना देता हूँ सर्किट के लिए, मन्ना ये देखो ध्यान से, ये है मेरा सर्किट कैपेसिटर और ये है बेटा इंडक्टर, तो देखो बेटा जब चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम है ये देखो, तो इस इंडक्टर में आई जो है ये देखो जीरो है, जब जब ऐसा तब तब देख लो बेटा, ये देखो चार्ज मैक्सिमम है ना यहाँ पे जीरो, उसके बाद कब मैक्सिमम आएगा तो उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद देखो फिर यहाँ पे करंट जीरो, उसके बाद यहाँ आएगा फिर यहाँ पे देखो जीरो, और जब चार्ज जीरो है देखो 90 डिग्री चलने के बाद चार्ज जीरो हो गया, चार्ज जीरो यानी कि जब मिनिमम हो गया चार्ज, चार्ज जीरो हो गया तो देखो चार्ज जीरो हो गया तो करंट क्या हो गई, मैक्सिमम माइनस में ही सही, लेकिन माइनस तो खाली डायरेक्शन है, मैक्सिमम तो हुई, और फिर देखो चार्ज चार्ज यहाँ पे रिवर्स में मैक्सिमम हुआ तो करंट जीरो, फिर चार्ज जीरो हुआ तो फिर करंट मैक्सिमम हो गई, तो जो करंट की मैक्स है वहां पे चार्ज जीरो है, और जो चार्ज के मैक्स है वहां पे करंट जीरो है, और इसी को याद है मैं कितनी बार एसी के चैप्टर में बोल चुका हूं कि अगर एक चीज मैक्सिमम हो दूसरी चीज मिनिमम चले, मैक्सिमम मिनिमम, तू डाल डाल मैं पात पात, तू सबसे बड़ा तो मैं सबसे छोटा, तू सबसे छोटा तो मैं सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, यही तो हम लोगों ने भी किया था CIVIL सिविल, है ना, प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस,
है ना, तो देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। चार्ज और करंट लगातार, यानी कि चार्ज करंट भी सर्किट में जीरो से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, ऐसे चलती रहेगी। लगातार करंट बदल रही, लगातार चार्ज बदल रहा, लगातार कैपेसिटर भी सर्किट में घुसा पड़ा है, लगातार इंडक्टर भी सर्किट में घुसा पड़ा है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर याद है डीसी सर्किट में वो यूजलेस हो जाते थे, बट यहाँ एसी सर्किट में यूजलेस नहीं हो रहे, क्योंकि चार्ज और करंट लगातार बदल रही है। तो इंडक्टर को तो काम मिलता रहेगा, करंट जब तक बदलती रहेगी तो अपोज करता रहेगा, कैपेसिटर को भी काम मिलता रहेगा जब तक चार्ज बदलता रहेगा, तो वो भी अपना कुछ क्यू बाई सी से वोल्टेज लगाता रहेगा। तो बताओ इंडक्टर में करंट दे कौन है, सोर्स कौन है? तो मैं बोल रहा हूँ इंडक्टर में करंट का सोर्स है कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर एक वोल्टेज बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, उसके पास वोल्टेज है तो वो इंडक्टर में करंट दे रहा है। अब क्वेश्चन है कि कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज कौन कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ इंडक्टर, क्योंकि उसके पास भी एक वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी। तो जब कैपेसिटर जीरो हो जाता है तो एल डी आई बाई डी टी आ जाता है, चल मैं तुझे चार्ज कर देता हूं। और जब यहाँ पे इंडक्टर में करंट जीरो हो जाता है तो कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बन जाता है, चल मैं तुझे करंट एस्टेब्लिश करता हूँ तेरे अंदर, तो अपोज कर। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने पड़े हैं, जब ये खत्म तो ये चालू, जब ये खत्म तो ये चालू, बीच में कभी दोनों एक्टिव हैं। और यही एल और सी के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री करेक्टर है, यही इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री करेक्टर, और यही इनके बीच में चार्ज और करंट ऑसिलेट हो रही है, यही बताना है। लिख लो बेटा पहले इतना। देखा? Yes, sir. चले आगे बढ़े सर, एक मिनट। लिख ले बेटा। Yes, sir. सर वो ओमेगा क्यू नॉट कैसे आता माइनस? कह रहे हो बेटा फिर से बोलो। ओमेगा क्यू नॉट कहाँ से आया? तो देखो बेटा इससे कंपेयर करो, ये थी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन। अब साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू वन ही हो सकती है, तो अगर कोई पूछे करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कब होगी, तो मैं बोलूंगा तब होगी जब ये वैल्यू वन हो जाएगी। और क्या होगी? तो ये होगी भाई, जब ये वन हो जाएगा तो करंट इससे ज्यादा, तो ये साइन की वैल्यू जा नहीं सकती वन से ज्यादा, तो यही तो होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। बस इस मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यही ओमेगा क्यू नॉट। डीसी को करंट का माइनस कैसे एलिमिनेट किया था? माइनस कैसे किया? तो बेटा ये माइनस साइन थीटा को मैंने लिख दिया बेटा साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं? यस, हां बस वही किया, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो बेटा आप समझ में आ गया? यस। आगे बढ़ जाए तो अब देखो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो एलसी सर्किट है उसमें चार्ज भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है, उसमें करंट भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी ऑसिलेट कर रही है, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है 1/2π अंडर रूट एलसी है, और टाइम पीरियड तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है तो 2π अंडर रूट एलसी है, और चार्ज और करंट दोनों वेरी कर रहे हैं, बट दोनों सेम फेज में वेरी कर रहे हैं क्या बेटा? 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे। अब मुझे एक थोड़ी सी चीज और बताओ, अल्टीमेट गोल मेरा हर चीज में एनर्जी होता है, याद है मैं तुमको क्या किया था, मैं बुक के तरीके से नहीं चलता। बुक में भले तुमने देखा होगा कि उन्होंने पावर कंजम्पशन VRMS RMS cos phi जब LC सर्किट पढ़ा दिया तब कराया, मैंने सबसे पहले पावर पकड़ी, मैंने सबसे पहले आरएमएस को पावर के थ्रू बताया, बाद में सारे सर्किट कराए मैंने, क्यों? क्योंकि मैं एनर्जी को सबसे पहले फोकस करता हूं। और यहां पे भी बोल रहा हूं मेरा अल्टीमेट एम एनर्जी है, और मैं तुमको बोलता था याद है कि एलसी सर्किट एलओसी एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस नहीं है, एल और सी जो है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता था। अब देखो मैं फिर से वो बात बोल रहा हूं, और बिल्कुल सही बोलता था, फिर वही बात बोलने जा रहा हूं। ये मेरा एक एलसी सर्किट है, ये है कैपेसिटर, और ये है बेटा इंडक्टर। अब मैं इनकी एनर्जी निकालने जा रहा हूं, और एनर्जी निकालने जा रहा हूं सबसे पहले कैपेसिटर की लिखूंगा यूसी, और इंडक्टर की लिखूंगा यूएल, और कैपेसिटर की यूसी को बोलो बेटा क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिख सकते हैं। यस सर। और इंडक्टर की हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं किसी भी मोमेंट पे, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी। देखो जरा क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्या आया था, क्यू क्या आया था हमारा, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी,
तो मैंने लिख लिया q नॉट cos ओमेगा t, तो q नॉट स्क्वायर बाय 2c 1 अपॉन 2c और q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये है मेरी कैपेसिटर की एनर्जी। एनी गेस क्या कैपेसिटर की एनर्जी कांस्टेंट है कि टाइम का फंक्शन है? कैसा कैसा ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा, कॉस का बनेगा कि कॉस का स्क्वायर का ग्राफ बनेगा? cos स्क्वायर का, cos स्क्वायर मतलब जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा ऐसा नहीं बनना चाहिए cos का ग्राफ, cos स्क्वायर का ग्राफ। यस यस हां, ये सब बन गया। ठीक, अभी इस पे आएंगे, इस पे फिर आएंगे। हाफ एल आई स्क्वायर बताओ बेटा कैसा बनना चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, आई 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 नॉट आई I not sin omega t plus pi, मतलब minus sin square, तो अगर minus करेंगे तो square हट जाएगा, तो ये I square, I not square sin square omega t, minus हटा दिया, I not square sin square omega t। फिर बेटा देखो इंडक्टर में एनर्जी, इंडक्टर का ग्राफ बना लेते हैं, इसके बगल में बन जाता तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं बन पा रहा तो यहां बना देता हूं। इंडक्टर का ग्राफ, इंडक्टर का ग्राफ ये रहा मेरा इंडक्टर का ग्राफ, इंडक्टर का ग्राफ ये रहा, इंडक्टर का ग्राफ, इंडक्टर का ग्राफ ये यूसी था, ये यूएल है, और हाफ एल आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब जब तक थीटा ऐसे पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव और जब नेगेटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ, ये यूसी तुम्हारे सामने, ये यूएल है, और दोनों वेरी कर रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं। अब ये बताओ पहले फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई एंडोल एलसी थी, अब उतनी नहीं रहेगी, अब फ्रीक्वेंसी उतनी ही बोलूं, उसकी आधी बोलूं कि उसकी डबल बोलूं, क्योंकि उनकी एक साइकिल में तुम देख रहे हो उसकी डबल हो जाएगी, स्क्वायर है ना, तो जो नेगेटिव वो पॉजिटिव फिर रिपीट करने लेगा वैल्यू, तो इसकी एनर्जी भी वेरी कर रही है, UC भी वेरी कर रहा है, UL भी वेरी कर रहा है, इसके वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की कितनी होगी, सेम होगी, हाफ होगी, डबल होगी? डबल, हाँ डबल होगी। तो इनके वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछे कि ये जो एनर्जीज आ रही हैं, है ना, एनर्जीज, एनर्जीज का मतलब ये जो दो एनर्जीज हमारी निकली हैं UC और UL, तो इनके वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है डबल ऑफ 1 अपॉन 2 पाई एंड LC, अब तो भाई कट जाने तो वो अलग बात है। अब मुझे एक बात बताओ, डबल कैसे होगा? डबल ऐसे कि जैसे मान लो तुम्हारा चार्ज है, है ना, जैसे एक cos स्क्वायर ओमेगा t और sin स्क्वायर ओमेगा t, जैसे मान लो sin ओमेगा t है तो sin ओमेगा t ऐसा होता है, तो हम बोलते बेटा इसको एक साइकिल, लेकिन अगर तुम sin स्क्वायर ओमेगा t बनाओगे तो देखो बेटा ऐसे बनाओगे। अब खुद बताओ इसकी एक साइकिल में इसकी एक साइकिल आ रही है कि दो साइकिल आ रही है? दो साइकिल, दो, यानी कि अगर इसमें 50 साइकिल हो तो इसमें 100 साइकिल आ जाएंगी, इसको एक साइकिल कहते हैं, रिपीटेशन, है ना, तो वही बोल रहा हूं मैं। तो अब अगर इस पे आ जाओ, ओरिजिनल पे मेरे बात जो चल रही थी वो ये मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं ये तुमसे पूछूं बेटा यूसी भी वेरिएबल है, यूएल भी वेरिएबल है, एक कॉस स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, अब दोनों को एड तो मैं करूंगा ही करूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन बनाने के लिए, बट एड करने से पहले भी मुझे कुछ बात बताओ कि यार ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, दोनों एक ही तरीके से वेरी कर रहे हैं ना, जब कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम है, कैपेसिटर में यानी कि UC मैक्सिमम है, तो बेटा UL मैक्सिमम है क्या उस समय? जीरो, मिनिमम है। हाँ, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं थी, तो कैप्चर एक थोड़ी देर बाद जाके देखो डिस्चार्ज हो गया, जीरो हो गई कैप्चर में एनर्जी, कैप्चर में एनर्जी जीरो हो गई मुन्ना, तो जब कैप्चर में एनर्जी जीरो हो गई, कैप्चर डिस्चार्ज हो गया, तो एनर्जी क्या चली गई ना, देखो जब 90 डिग्री के बाद ये यहां पहुंच गया, तो यूएल जो है मैक्स हो गया, जब कैप्चर में जीरो हो गया, तो जब कैप्चर में जीरो हो गया तो तुम देख रहे हो इंडक्टर में मैक्सिमम आ गया, यानी कि कैप्चर की सारी एनर्जी उठ के इंडक्टर में चली आई। याद है तुम लोगों ने ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किया था, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या बोलते थे बेटा, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पे है, जब इसको एम्पलीट्यूड पे पहुंचाते हो तो सारी की सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चली जाती है, और वो हाफ के एक्स स्क्वायर चली जाती है, और जब ये लौट के आता है मीन पोजीशन पे वापस, तो सारी की सारी हाफ के एक्स स्क्वायर जीरो हो जाती है और हाफ एम्बी स्क्वायर चली जाती है। याद आया कुछ?
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट होती रहती है। यस सर। बिल्कुल सेम चीज बोल रहा हूँ, बिल्कुल वही चीज बोल रहा हूँ। एलसी ऑसिलेशन स्प्रिंग ब्लॉक के ऑसिलेशन की तरह है। और ये देखो बेटा, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो लगातार कैपेसिटर की मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्स जीरो मैक्स जीरो मैक्स जीरो, और इंडक्टर में भी यही है जीरो मैक्स, लेकिन उल्टा, जब ये मैक्स तो ये जीरो, जब ये जीरो तो ये मैक्स। तो इसका मतलब है कि एक मैक्सिमम एक मिनिमम, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, लेकिन जो सम होगा, जो इनका सम होगा टोटल एनर्जी का, जो इनका टोटल सम होगा वो, अब मैं इनका टोटल का सम करने जा रहा हूं। टोटल का सम करूंगा तो बेटा देखो ये एक टर्म बच रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और एक आ रहा है बेटा तुम्हारा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं एक लॉजिक यूज करने जा रहा हूं। शुरुआत में हमारा जो सर्किट था उसमें खाली और खाली क्यू नॉट का चार्ज था और यहां पे कोई करंट थी ही नहीं, आई जीरो था, तो इस सर्किट के पास एनर्जी थी क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास जब जब ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, यानी कि नो चार्ज डिस्चार्ज, तब यहाँ पे कैपेसिटर में करंट मैक्सिमम हो गई, तब यहाँ पे सॉरी इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गई, इंडक्टर में करंट आई नॉट हो गई, और यहाँ पे एनर्जी आ गई हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ बेटा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कैपेसिटर के भीतर की एनर्जी जो कि स्टोर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो वाली एनर्जी, और जो इंडक्टर के भीतर की एनर्जी है, कौन सी इंडक्टर के भीतर एनर्जी? जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बेटा रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली, ये यूएल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड बी लिख देता हूं या मैग्नेटिक फील्ड लिख दो ज्यादा सही है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ये इन दोनों का टोटल सम कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। और तुम खुद ही बताओ यार एनर्जी कंजर्वेशन से क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी जो पूरी मैक्सिमम एनर्जी थी वो जीरो होके क्या खत्म हो गई ना, वो इंडक्टर में पहुंच गई हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर में, हाफ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर में चली गई। तो यानी कि क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी और हाफ एल आई नॉट स्क्वायर का टर्म तो सेम है, और उस एनर्जी को अगर मैं कुछ मान लू इनिशियल एनर्जी यू नॉट मान लू, तो यू नॉट आ गया बाहर, फिर बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो कि वन बन जाएगा, यानी कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है, टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। सिस्टम की एनर्जी, टोटल जो एनर्जी होती है वो टाइम के साथ ना बढ़ती है ना घटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हाफ एम बी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर में, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर में कन्वर्ट होता रहता, बट जो टोटल एनर्जी थी वो कॉन्स्टेंट रहती थी, वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करता है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर में साफ साफ लिख दे रहा हूँ, कैपेसिटर एंड इंडक्टर नेवर लूज एनर्जी, नेवर डिसिपेट एनर्जी। एनर्जी डिसिपेट कौन करता है? एनर्जी डिसिपेट रजिस्टर करता है, ये तो कई बार बता चुका हूं, पावर कंजम्पशन आई आरएमएस का स्क्वायर आर, लास्ट क्लास में कराए थे क्वेश्चन। कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी डिसिपेट नहीं करते, एनर्जी स्टोर करते हैं, और यहां पे किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है। क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि बेटा यही तुमको बताना था, ये क्यों पढ़ा रहा हूं अगले चैप्टर से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग फील्ड ही नहीं होती, दोनों अगर आपस में कन्वर्टेबल है, क्योंकि वो दोनों एक ही एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और यहीं से स्टार्ट होता है ईएम वेव्स का चैप्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी अलग अलग है ही नहीं भाई। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम बोलते थे कि भाई एक ही चीज है वो फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी अलग अलग होती ही नहीं है, उस कॉमन एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वही आपस में कन्वर्ट होती रहती है, और एलसी सर्किट में सब कुछ ऑसिलेट करता है, बट टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी का मतलब है कि कैपेसिटर वाली और इंडक्टर वाली इन एलसी सर्किट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, लिख डालो इस चीज को। यहां तक तो लिख ही लिया था, ये वाला लिख लिया था ना सबने? ये लिख लो, फिर अगला पेज लिख लो, एनर्जी का वेरिएशन। सर
सर हमने ये कैसे कह दिया कि क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर? ओके, हमने इससे ये लॉजिक लगाया कि इस कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी थी क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, इसके पास कुछ नहीं थी। थोड़ी देर बाद इसकी कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन इंडक्टर के पास एनर्जी उठ के आ गई। अब एनर्जी जब आती है तो एनर्जी का कोई सोर्स होता है, तो बताओ बेटा यहाँ पे कोई बैटरी या कोई और सोर्स दिख रहा है? नो सर। तो यानी कि इसी से आई होगी जो भी एनर्जी आई होगी कैपेसिटर से। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये तो है ना कि बराबर ही हो सकता है, कम हो या ज्यादा हो, तो ज्यादा तो एनर्जी हो नहीं सकती क्योंकि एनर्जी पैदा होती नहीं, नो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। हाँ लॉस हो सकता है, इस सर्किट से लीक कर जाए। अब लीक करता कौन है? लीक इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्लास 12 के सिलेबस में, वो है रजिस्टर, जो कि हमने सर्किट में जीरो माना है। रजिस्टर किस फॉर्म में लीक करता है? हीट के फॉर्म में। तो अगर रजिस्टर नहीं है तो हीट के फॉर्म में सर्किट से निकलने वाला कुछ नहीं है, और सिर्फ सब स्टोरेज स्टोरेज है। कैपेसिटर इंडक्टर कभी एनर्जी डिसिपेट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि एनर्जी जितनी थी लीक हुई नहीं, तो वो पूरी की पूरी उठ के यहाँ आ गई होगी, क्योंकि और तो कोई सोर्स है ही नहीं एनर्जी का, तो ये इसका मतलब यही चाहिए होगी। हाँ लिख लिया बेटा, लिख लिया? नो सर। अच्छा लिख लो, कोई कुछ पूछ रहा था? उबैद? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। सबको समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े सर, ये बता दी ईएम एनर्जी बता दीजिए बेटा। बचपन में मुझे देखो, बचपन में तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था, एक बॉल गिर रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पता है कुछ? Yes, sir. तो तुमने उसे क्या, उसके से तुमने तो अपने दिमाग में क्या इमेज बनाई थी? तुमने ये इमेज बनाई थी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल में लॉस काइनेटिक का गेन, और ऊपर फेंको तो काइनेटिक का लॉस पोटेंशियल का गेन, तो तुमने बोला था कि इसका मतलब काइनेटिक को पोटेंशियल आपस में कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब एक ही एनर्जी है, और उसको हम लोग बोलते थे मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट की। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेटिंग इन नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि कैपेसिटर की एनर्जी उठ के इंडक्टर पे और इंडक्टर की एनर्जी उठ के कैपेसिटर पे पहुंच जाती है, बट टोटल कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, ये दोनों एक ही एनर्जी के फॉर्म है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म काइनेटिक, एक फॉर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, वैसे ही एक कॉमन एनर्जी है जिसको आज के बाद से हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
एनर्जी, रेडियो वेव्स चलती हैं तो क्या रखती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एनर्जी चलती है तो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। गामा वेव्स चलती हैं तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एक्सरे करवाने जाते हैं हम लोग, वहां पे बड़ा सा एक मैग्नेट रखा होता है, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, हमारे घर में माइक्रोवेव, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हर जगह। तो हम लोग फिर क्यों पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, तो शुरुआत से थोड़ी ना कॉम्प्लिकेट करके करेंगे भाई। धीरे धीरे हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग फिनोमेना नहीं है, इंटर रिलेटेड फिनोमेना है, और उस इंटर रिलेटेड फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और जब ये एनर्जी स्पेस में आगे बढ़ती है डिस्टर्बेंस को आगे ले जाके, तो हम उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर में करना है, और यही तो बता रहा हूँ कि रेडियो वेव सबसे पहले मार्कोनी ने ऐसे ही एलसी सर्किट बना के प्रोड्यूस की थी। आज पहली बार मैंने प्रथमेश की शकल देखी, प्रथमेश शकल नहीं दिखाते तुम अपनी कभी, पहली बार दिखा रहे हो, क्या बात है सर, पिछले हाँ क्या करो, पिछले आवाज में क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो सर, कह रहे पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा पिछली स्लाइड, अच्छा ये लास्ट स्लाइड यही कराई, ये बेटा देख लो, मैं यही बता रहा था, समझा रहा था पहले सर, इससे पहले वाली देखो, ये बेटा मैं ये समझा रहा था। उबैद समझ गया तुम्हारी बात, समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा चलो ये इसको लिख लो सब लोग, ये नोट हो गया ये वाले पेज, ये वाला पेज भी कर लो, ये वाला पेज, यस आगे बढ़ूं, ठीक है आगे बढ़ जाए उबैद, यस सर। चलो तो अब देखो कंपैरिजन देखो, ये तुम्हारा एक फिगर है, मैंने बुक से ही कॉपी किया, आप समझने की कोशिश करो। कैपेसिटर के भीतर जो एनर्जी थी, बना लेना ये एलसी सर्किट के ऑसिलेशन की स्टेट्स हैं, तो इनको फिगर सारे बना लेना जल्दी जल्दी। जब कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाई टू सी है, इंडक्टर में जीरो है ना, एक मोमेंट ऐसा आया जब कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी है और यहाँ पे इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर भी है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मैक्सिमम नहीं है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज था और यहाँ पे बिल्कुल जीरो था, तो यहाँ पे मैक्सिमम था यहाँ पे जीरो था। अब दोनों में है पार्शियल पार्शियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पार्शियल पार्शियल, पार्शियल चार्ज पार्शियल करंट, पार्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कंपेयर करो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से, दोनों की एनालॉगी, दोनों की एनालॉगी का मतलब ये है कि इसको जब कॉपी में बनाना बेटा, जब इसको कॉपी में बनाना तो एक काम करना, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना एलसी सर्किट, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना एलसी सर्किट, और इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब देखो बेटा याद करो, एक एक मोमेंट ऐसा आता था जब जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती थी, कब होती थी, जब ब्लॉक एम्पलीट्यूड पे होता था तो रुक जाता था चलते चलते, एम्पलीट्यूड पे हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म मैक्सिमम होता था, तो कैपेसिटर को स्प्रिंग की तरह समझना, जैसे एक स्प्रिंग में एनर्जी होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में, इसको बिल्कुल समझना, स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो अब तुम देखोगे कि हाफ हाफ कर्म दोनों में एक्स की जगह क्यू आ रहा है, बट आना भी चाहिए क्योंकि मैंने बोला कि एक्स इज आइडेंटिकल टू क्यू, जो वहां पे एक्स होता था वो यहाँ पे क्यू है, तो जो सी होता था कैपेसिटर का वो स्प्रिंग के वन अपॉन के जैसा है, वन अपॉन के जैसा है, और जो ब्लॉक होता था, ब्लॉक क्या होता था, ब्लॉक होता था मास, मास मतलब इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जो मोशन को अपोज करे, मास m, तो इंडक्टर भी तो बेटा यही होता है,
अब तुमको बताया गया कि नहीं बताया गया बेटा जब ईएमआई का चैप्टर पढ़ लेते, बट मैं हमेशा बताता हूँ कि इंडक्टर जो होता है उसका नेचर क्या है। तो इंडक्टर एक ब्लॉक की तरह है, जैसे ब्लॉक नहीं हैवी होता, उठाओ तो उठेगा नहीं, चल रहा तो चलता रहेगा मस्ती में, तो वैसे इंडक्टर है। इंडक्टर भी तो इनर्शिया होता है, करंट के चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी को इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टर भी इनर्शिया है, तो इंडक्टर का जो एल है वो मास के इक्विवेलेंट है। और जैसे इसमें नहीं एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो बेटा हाफ एम, एम की जगह एल रख दो, वेलोसिटी की जगह करंट रख दो, क्योंकि आई और वेलोसिटी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। वी भी डीएक्स बाई डीटी होता था और आई यहाँ पे डीक्यू बाई डीटी होता है। अब देखो सिमिलरिटी यहाँ पे, जैसे तुम्हारा यहाँ पे मैंने बोला कि पार्शियल पार्शियल, तो एक मोमेंट ऐसा है कि यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर भी है, हाफ एम बी स्क्वायर भी है, फिर सारी की सारी कैपेसिटर यहाँ पे पहुंच गई, हाफ एल आई स्क्वायर पहुंच गया, और यहाँ पे जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, ये मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब है कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग अपने मिनिमम पे पहुंच गई। स्प्रिंग मिनिमम पे कब पहुंचती, मीन पोजिशन पे। स्प्रिंग अपने मिनिमम पे पहुंच गया और ब्लॉक अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया। याद है कब होता था ब्लॉक की एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती थी, मीन पोजीशन पे, जब स्प्रिंग में कुछ भी नहीं होता था, कोई एनर्जी नहीं होती थी, एक्स जीरो हो जाता था, तब होती थी। फिर पार्शियल वाली स्टेट आएगी, फिर पार्शियल वाली स्टेट आएगी, क्योंकि इनर्सी आया, चलता तो रहेगा ब्लॉक, जैसे ब्लॉक चलता रहता था वैसे यहाँ पे इंडक्टर चलता रहता है, इंडक्टर भी करंट में कुछ ना कुछ चेंज को अपोज करता रहता है। तो फिर ऐसे ही तुम्हारी साइकिल रिपीट होगी, फिर वही आ जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जीरो, बट वो अदर साइड वाला मैक्सिमम, जैसे कैप्चर में पहले यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस था, तो इस बार क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर करो, इसका मतलब है कि एलसी ऑसिलेशन, बेटा यही बताना चाहता था कि एलसी ऑसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन, स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन, स्प्रिंग ब्लॉक्स ऑसिलेशन, यही इसका कंक्लूजन है। पर ये लिख लो तो फिर क्वेश्चन कराओ। चलो फिगर वगैरह बनाना है। हाँ ये बेटा बना लो फिगर जल, मैंने बोला था कि शॉर्ट में ही सही, जल्दी जल्दी सही दिखा दो उनकी स्टेट्स। पूरा ये सब नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने दिखाया ऐसे पूरी फील्ड दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी सोलेनोइड की, तो बस ये लिखना मैक्सिमम मिनिमम पार्शियल मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ स्प्रिंग ब्लॉक में भी लिखना स्प्रिंग ब्लॉक। और स्प्रिंग ब्लॉक को कैपेसिटर और इंडक्टर में मैंने तुमको साफ साफ बता दिया, स्प्रिंग कैपेसिटर की काउंटर पार्ट है या स्प्रिंग कैपेसिटर के इक्विवेलेंट होता है और ब्लॉक इंडक्टर के इक्विवेलेंट होता है। एक्स चार्ज के इक्विवेलेंट होता है और dx by dt यानी कि वेलोसिटी, dq by dt यानी कि करंट के इक्विवेलेंट होती है। और दोनों में एक चीज कॉमन है, एनर्जीज आपस में भले कन्वर्ट होती रहे, बट जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। SHM में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती थी, यहां पे भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बट जैसे वहां पे मैकेनिकल एनर्जी होती थी, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। बोलो बेटा लिख लिया? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस। ये तो बता दिया मैंने मास एल के इक्विवेलेंट है, ये लिख लिया बेटा, मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगी, मास एल के, के वन बाई सी के, एक्स चार्ज के, वेलोसिटी करंट के, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लिख लेना। ये वैसे लिखा तो दिया था बट अलाइनमेंट दिखा दी। हाँ लिख ले, देख लो यहाँ पे देखो, मैंने ये लिखा स्प्रिंग कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है, ये भी देखो लिखा है के वन अपॉन सी के इक्विवेलेंट है, एक्स चार्ज के इक्विवेलेंट, करंट वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है, इनर्शिया इंडक्टर के इक्विवेलेंट है।
क्या बेटा? यस चलो ये वाला भी लिख लो, वैसे लिख ही लिया होगा बट देख लो इसमें कोई चीज स्किप तो नहीं की है। ये क्या है? एनालॉगी बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। देख लो बेटा सब लोग, इसमें कोई छूटा तो नहीं। एम एल के इक्विवेलेंट मास इंडक्टेंस। अब बताओ बेटा इंडक्टर की मतलब समझ रहे हो? इंडक्टर मतलब इनर्सिया, इनर्सिया मतलब मास, कैपेसिटर मतलब एक खिंची हुई स्प्रिंग, कैपेसिटर मतलब स्प्रिंग। याद है बेटा कभी इलेवेंथ में तुम लोगों को स्प्रिंग के सीरीज पैरेलल कराए गए थे तो याद है उसके रिजल्ट आते थे वो कैपेसिटर की तरह ही आते थे, रजिस्टर के उल्टे, इसीलिए होते थे क्योंकि कैपेसिटर मतलब स्प्रिंग होती है। उस समय ना किसी ने बताया तो अब मैं बता रहा हूं, कैपेसिटर मतलब स्प्रिंग। एक्स चार्ज वेलोसिटी डीएक्स बाय डीटी करंट डीक्यू बाय डीटी मैकेनिकल एनर्जी, वही तो बार बार गला फाड़ के बोल रहा हूँ कि जो काइनेटिक को पोटेंशियल कन्वर्ट हो सकते थे उसको मैकेनिकल बोलते थे, इसलिए आज के बाद से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलेंगे, तभी तो ईएम वेव्स स्टार्ट कर पाएंगे जब मैं तुमको बोल दूंगा कि ई और बी एक ही चीज होती है। बेटा लिख लिया? यस चलो क्वेश्चन करो, ये पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जल्दी से कर डालो। पहला करके बताओ फिर दूसरा करते हैं, फिर एक और है, तीन क्वेश्चन। पहला जल्दी से बताओ बेटा, सेकंड सेकंड, बाकी सब लोगों का क्या ओपिनियन है? सेकंड बेटा देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ है। इससे पहले क्या करा? इससे पहले यस से पहले ये गया था। और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है कि एक एलसी सर्किट है जिसमें टोटल एनर्जी यू है और मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्यू है, तो फोर्थ ऑफ वेरी गुड, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्यू है और जब ये चार्ज क्यू से कैपेसिटर पे क्यू बाई टू हो जा रहा है तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यूएल तुमको बताना है। बोलो बेटा हो गया, सबका अटेम्प्ट हो गया? चलो अब मैं बता रहा हूँ, एक बार बताओ बेटा मैक्सिमम चार्ज कब होता है इंडक्टर में, मैक्सिमम चार्ज कब होता है जब इंडक्टर में, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर में कब होता है जब इंडक्टर में करंट जीरो, तो इंडक्टर में करंट जीरो है उस समय इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है कि उस समय जो टोटल एनर्जी यू होगी वो रही होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सारी की सारी कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर में चार्ज क्यू बाई टू हो गया तो नाउ यू सी जो होगी क्यू बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू सी, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई इसका इसका हाफ का स्क्वायर वन बाई फोर आएगा, यानी कि मैक्सिमम जो एनर्जी थी उसकी वन फोर्थ होगी कैपेसिटर में। इस समय कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा होने से इसके पास जो शुरुआत में एनर्जी थी उसकी वन फोर्थ रह गई, तो अगर टोटल की वन फोर्थ इसके पास है तो बाकी कहां गई? इंडक्टर, बाकी कहां गई? इंडक्टर में गई, यही तो बात है, कैपेसिटर की एनर्जी उठ के इंडक्टर में पहुंच गई, तो बाकी बची कितनी? यू में से यू बाई फोर कितना बचा? अब ये वाला क्वेश्चन करो,
जल्दी बताओ बेटा। लॉजिक अभी भी वही है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मतलब क्यू बाई रूट टू, बिल्कुल सही बात, समझ में आ गया होगा इसका मतलब तुमको। मैक्सिमम चार्ज क्यू है तो एट एनी इंस्टेंट जब यूसी और यूएल इक्वल होंगे तो जो टोटल एनर्जी होगी यूसी प्लस यूएल, तो इसका मतलब यूसी यूएल दोनों हाफ ऑफ होंगे यू बाई टू के, है ना। और मैक्सिमम चार्ज अब कैपेसिटर में उस समय मान लो क्यूडेस का चार्ज हो तो क्यूडेस का स्क्वायर बाई टू सी मैक्सिमम एनर्जी का हाफ है, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई टू सी का हाफ है, तो बेटा टू सी से टू सी कट गया और ये इसको अंडर रूट ले लो तो क्यूडेस की वैल्यू आ गई बेटा क्यू बाई रूट टू, क्यू बाई रूट टू ये आना चाहिए, क्यू बाई रूट टू। चलो बेटा सबको समझ आ गया। किसको नहीं आया बेटा? सर आ गया। आ गया, चलो आ गया इंजीनियर प्रथमेश। यस सर। आ गया? यस सर। चलो तो अगला क्वेश्चन करो फिर। ये अनिल, अच्छे तुम लोगों को आंसर बताना ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन है। यस सुहानी, सोनी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। फर्स्ट फर्स्ट सुहानी का आंसर आएगा ये? अच्छा और किसका आंसर आ गया? फर्स्ट आ रहा है। चलो सबका आ गया, प्रथमेश का नहीं आया। प्रथमेश बड़ी देर से परेशान होकर देख रहा है, पेन तो चला नहीं प्रथमेश का। ये कैप उतार दो, ये ब्रेन में ना रेडियो वेव्स कैच नहीं कर पा रहा है। इसको एंटीना को कैच करने दो वेव्स। देखो बेटा यूसी कैपेसिटर में चार्ज क्यू नॉट है और इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी रही होगी क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, और इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज है, करंट इंडक्टर में बताओ इनिशियल करंट रही होगी जीरो। अब बताओ जब कैपेसिटर में यू सी थ्री टाइम्स है इंडक्टर की तो थ्री टाइम्स यू एल कर दो, सिंपली स्टेटमेंट तो लिखो यू सी इज इक्वल टू थ्री यू एल। अब UC अगर 3 UL है इस समय तो यानी कि UC plus UL टोटल एनर्जी होती है Q naught square by 2C, UC 3 UL है तो यहां पे रख दो 3 UL plus UL is equal to Q naught square by 2C। बेटा अब तो करो 3 UL plus UL 4 UL, UL की जगह रख दो हाफ LI square और सॉल्व करके I की वैल्यू निकाल लो। निकालो बेटा, देखो कौन सी आ रही है मुझे बताओ। फर्स्ट ईयर करो बेटा, देखो सब लोग सॉल्व फर्स्ट आ रहा है। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। चलो तो एलसी सर्किट अपना खत्म, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो जेई मेन में ही सही ना आए जेई एडवांस में, जेई मेन भी तो निकालना है। जेई मेन के बिना निकाले तो जेई एडवांस नहीं दोगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एलसी सर्किट।
चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ बेटा, ये एक सर्किट है, मैंने तुमको एलसीआर सीरीज में कराया था, ये एक एलसी सर्किट है जिसमें एलओसी पैरेलल में, सबको दिख रहा होगा, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था, याद करो, जब एलसीआर सीरीज कराया था तो मैंने तीनों में एल और सी और आर में करंट सेम मानी थी, क्या अभी भी ऐसा मान सकते हैं क्या, तीनों में करंट सेम, या दो है तो चलो एल और सी में करंट सेम, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या सेम माना चाहिए, अगर ये पैरेलल है तो क्या सेम माना चाहिए, वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज। तो अब अगर वोल्टेज सेम मानोगे बेटा दोनों में, तो जो करंट आएगी, जैसे मान लो मैं इस पे भी वोल्टेज मानू सेम, इसमें भी सेम मानू, तो अब मुझे बताओ जो करंट आएगी क्या वो सेम फेज में आएगी, वोल्टेज तो चलो दोनों में सेम है, सेम है मतलब सेम फेज में भी है, सेम वैल्यू में भी है, लेकिन अब जो करंट आएगी वो सेम फेज में होगी क्या, ये रहा मेरा वोल्टेज। अब खुद बताओ किसमें करंट आगे आगे और किसमें करंट पीछे पीछे भागेगी, किसमें करंट आगे आगे भागती है, सर कैपेसिटर में आगे, तो कैपेसिटर वाली वोल्टेज से आगे आगे भागेगी, और इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, तो दोनों में आपस में, इन दोनों करंट में आपस में कितने का फेज डिफरेंस होगा, 180 डिग्री का, बिल्कुल सही 180 डिग्री का, यानी कि इस पॉइंट पे जो करंट है आई वो कितनी होगी, आई एल प्लस आई सी होगी, अंडर रूट आई एल स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर होगी, कि आई एल माइनस आई सी होगी, यहाँ पे नेट करंट मॉड ऑफ आई एल माइनस आई सी, मॉड ऑफ आई एल माइनस आई सी होगी, बिल्कुल सही। तो अब मुझे एक बात बताओ, करंट जो होती है आई सी को मैं लिख सकता हूँ वी बाई एक्स सी, और आई एल को, ये नीचे आई एल था, इसको सही से लिख देते हैं, नीचे आई एल था, आई एल को मैं लिख सकता हूँ वी बाई एक्स एल, ओके। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि नेट करंट कितनी है, तो मैंने लिखा, मैंने नेट करंट आई सी माइनस आई एल करने के बाद मैंने लिखी वी बाई एक्स सी माइनस वी बाई एक्स एल, ये नेट करंट है, ये वी है, मेरी जो नेट करंट आ रही है वो आ रही है वी 1 बाई एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आए, तुमको याद है जेड होता है वी नॉट बाई आई नॉट, ये सब आई नॉट ही है, ये सब मैंने लिखी नहीं है, बट ये आई नॉट ही है, सब पीक है। तो इसको v को इधर ले आए तो i अपॉन v बन जाएगा, अगर z v अपॉन i होता है या v अपॉन i z होता है तो i अपॉन v को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन z। तो बताओ बेटा वहां पे अगर LC सीरीज होता था, बेटा वहां पे LC जब सीरीज होता था तो तुम z लिखते थे xc माइनस xl या xl माइनस xc, याद है मैंने तुम्हें बताया था, अगर LC सर्किट हो सिर्फ r ना हो तो अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर तो जीरो है तो जेड की वैल्यू मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बोलते थे। तो बेटा यहाँ पे भी जेड उतना ही आएगा कि यहाँ पे जेड अलग आएगा, अलग आएगा, और ये आएगा 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल। जेड को जैसे हम लोग क्या बोलते थे, जेड को बोलते थे इम्पीडेंस, वैसे ही 1 अपॉन जेड को हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस। इम्पीड करना मतलब रोकना, एडमिट करना मतलब अलाउ करना, चालू करना, उसका उल्टी क्वालिटी है 1 अपॉन जेड। आओ आओ करंट जेड अपोज करो, रोको 1 अपॉन जेड, आओ, समझ में आ रहा कुछ, याद है उसमें करंट का जो ग्राफ बनता था, याद है उसमें करंट का ग्राफ ऐसा बनता था, ये इसमें उल्टा बनेगा, उसमें जेड का ऐसा बनता था, इसमें है ना, इसमें जस्ट उल्टा बनेगा, वहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC पे करंट मैक्सिमम होती थी, यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट LC पे तुम खुद ही देखो बेटा 1 अपॉन LC जब होगा, यानी कि एक्सएल एक्सी की वैल्यू सेम होगी, तो बताओ दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट LC पे, नेट करंट, हाँ 1 अपॉन रूट LC पे करंट जीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आके वो इस करंट को रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए से रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, 1 अपॉन रूट LC पे आके करंट को रिजेक्ट कर देगा, 1 अपॉन रूट LC की फ्रीक्वेंसी पे इस पैरेलल LC सर्किट में कोई करंट नहीं होती, इस पैरेलल LC सर्किट में कोई करंट नहीं होती, करंट जीरो होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट, वो एडमिटर सर्किट होता था, रिजेक्टर सर्किट है। बोलो बेटा समझ में आई ये बात,
तो एक चलते चलते एक क्वेश्चन बता दो, ये तुम लोगों को पहले भी करवाया है वैसे मैंने, 1.6 1.4 ये ICIL है, तो मैंने तुमको पहले भी पूछा था, बोलो बेटा यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे, ऐड करोगे अंडर रूट करके करोगे कि माइनस कर दोगे? माइनस कर दो, माइनस। तो बेटा अब ये मुझे लास्ट चलते चलते एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, मेरा मन है कि ये भी तुम्हारे दिमाग में आ ही जाए। एल सी आर तीनों आपस में पैरेलल है, ऐसे सर्किट डील कर पाओगे? मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, बताओ तीनों में क्या सेम करूं, करंट सेम करूं कि वोल्टेज सेम करूं? वोल्टेज सेम। और क्या करूं फिर, करंट रजिस्टर वाली उधर ही दिखा दूं, कैपेसिटर वाली 90 डिग्री आगे दिखा दूं, इंडक्टर वाली 90 डिग्री पीछे दिखा दूं? बस अब तुमको मालूम है, आई आर को लिखना बेटा वी बाई आर, इसको लेना बेटा वी बाई एक्स सी, इसको लिखना वी बाई एक्सएल, पिछली बार की तरह आना, इसको लिखना वी बाई आर, इसको लेना बेटा v बाई एक्स सी माइनस वी बाई एक्सएल, वेक्टर सम करना, वेक्टर सम करना बेटा मैं कर लो, वेक्टर सम करना, तो इस बार जो करंट आएगी v बाई जेड करके, तो उस बार जो जेड आएगा, जब मैं कर ही देता हूं स्टेप नहीं तो फिर तुम लोग गड़बड़ाओगे मामला, तो अब जो तुम्हारी ये जो आएगी नेट करंट आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट v अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन xl माइनस v अपॉन xc का होल स्क्वायर, v कॉमन ले लो अंडर रूट से, v स्क्वायर बाहर आएगा v, i अपॉन v बन जाएगा 1 अपॉन z, तो बेटा इस बार 1 अपॉन z आएगा, बोलो बेटा लिखूं? हाँ सर लिखिए। ये आएगा, समझ में आया? यस। तो खत्म ये तुम्हारा कुछ चैप्टर, अगले क्लास से हम लोग ईएम वेव से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।